हेलो दोस्तों, हम नीरज आप लोग के सामने क्लास 10th का क्वालिटी इवैल्यूएशन चैप्टर 4 का जो है एक्सरसाइज लेकर आए हैं, जो 4.1 का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, चेक द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसे चेक करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए अब आप लोग को इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर का जो हम दिए हैं उसमें बताया होंगे कि जो कम से कम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर होना चाहिए, एटलीस्ट द पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर इन ए स्क्वायर, उसमें क्या होना चाहिए, उसका वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, जो वेरिएबल होता है उसका पावर क्या होना चाहिए, कम से कम एक स्क्वायर में होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री है ना। इसको क्या करना है, हमको बताना है कि ये आपका क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, ठीक है, इसको भी तोड़ देंगे, टू एक्स माइनस तीन छः, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर टू टू एक्स माइनस सिक्स, ये कट गया आपका, ठीक है, जब ये कट गया एक्स स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा, वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। ये कह देंगे जो है हमारे, देखिए एटलीस्ट कम से कम हमारा जो जो ये हमारा वेरिएबल का पावर है किस में है, स्क्वायर में, इसलिए हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, यस यस इट इज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको बता देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न को, देखिए यहाँ से यहाँ ये कट गया आपका, फिर यहाँ जो है यहाँ प्लस में आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स इसको टू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन हो गया इसको टू जीरो, इसलिए यस इट इज द इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, इसको हम रीच कर दे रहे हैं, देखिए देखिए हमारा दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस एक्स में ब्रैकेट में, ठीक है। अब आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो तीन दुनी छ माइनस माइनस प्लस टू एक्स, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, 2x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो गया, इसको x स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस 2x फिर प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब x स्क्वायर और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये भी कर देंगे कि यस इट इज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एटलीस्ट हमारा जो वेरिएबल का जो हमारा पावर है हमारा स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे अब तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, x माइनस वन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस एक्स, इसको कीजिएगा माइनस टू एक्स, इसको कीजिएगा माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री हो गया आपका, जो एक्स स्क्वायर है कर सकता है क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कीजिए तो आएगा आपका माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू इसमें से आपका एक्स एक टू निकल गया तो क्या हो गया टू एक्स हो गया टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है।
अब 2x-3 अब इसको आप इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जाइएगा क्या हो जाएगा आपका, चाहे इसको इधर ले जाइए क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2x+x-3+2=0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 2x+x, 3x और -3+2 क्या हो जाएगा -1=0। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा जो वेरिएबल का जो पावर है हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इट्स वेरिएबल पावर इज ए 1, ठीक है। इसीलिए कह देंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो है, ये जो हमारा जो ये जो हमारा तीसरा है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इट्स वेरिएबल पावर, बिकॉज इट्स वेरिएबल पावर इज द, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं, देखिए -3 2x+1 x x+5 ठीक है। ये क्या हो गया 5x। अब इसको क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर इधर ले आ दीजिए, x² -x² + x इसको इधर ले आ दीजिए, माइनस हो जाएगा 5x, और ये जो हमारा माइनस थ्री है इसको एज इट रख दीजिए। देखिए और यहाँ पर x² अच्छा एक तो माइनस 6x भी है, ठीक है, और एक इसको जो माइनस है इसको माइनस भी रख दीजिए, ठीक है ना। आप इसको घटाइए क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा आपका x², इसको जोड़िए, देखिए तो ये 5 और 6 मिलकर क्या 11 में से एक गया तो क्या हो गया 10x-3=0। यहाँ पर कह देंगे कि जो है इसका जो जो वेरिएबल का जो पावर है हमारा क्या है स्क्वायर में, तो ये देंगे यस इट इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है। इसको क्या कह देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग अब ये जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका हम लोग क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा 5 कि 2x-1 और x-3=x+5 ((x-1) इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 2x-3=x+5 ((x-), ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² -3 6x फिर -x - -+3 हो गया ना, फिर हो गया x² - x + 5x - 5, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो x² है सब इसको इधर ले आ देंगे, x² - x² कि ये वाला इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। -6 इसको क्या ऐड कर दीजिए, ठीक है, -6x और -x तो क्या हो जाएगा -7x, और इधर से ले आ दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, ठीक है, और +3+5=0, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या आएगा x² - 11x फिर हो जाएगा 5 × 3 = 8 = 0। ये भी जो हमारा जो है क्या किसमें आ गया, ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ये हम क्या कर देंगे यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक,
उसी तरह हम लोग ये अगला प्रश्न देखते हैं, ये छठा प्रश्न देखिए। देखिए हमारा क्या है ये वाला, ये भी उसी तरह प्रश्न है, ठीक है। ये जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। आप जो है इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखिए ये वाला हमारा प्रश्न है क्या कि x plus 2 का होल क्यूब फिर 2x x square -1। तो इसको क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी होता है a plus b का होल क्यूब। इसको देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए हमारा आइडेंटिटी a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b square a, ठीक है। यही हमारा क्या था फॉर्मूला होता है। और माइनस आ जाता है तो आपको यहाँ माइनस लग जाएगा और इस पर यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर माइनस आ जाता है a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्यूब होगा और क्यों दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस भी क्या कर देंगे, इसी की तरह जो है जो जिस फॉर्म में लिखा उसी तरह इसको भी फॉर्म में लिख देंगे। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ए क्यूब क्या है, ए यहाँ क्या है एक्स है, तो इसका एक्स क्यूब कर देंगे प्लस इसका क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनी चार चार दूनी आठ। फिर क्या कर देंगे, थ्री ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और बी यानी इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गया आपका अब प्लस थ्री बी स्क्वायर यानी दो दूनी चार, मतलब चार तीन बारह डायरेक्ट लिख लेते, चार तीन बारह, चार तीन आई बारह और फिर एक्स हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर लें, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, ठीक है। अब आपका ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x³। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया आपका, हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर उधर है, ठीक है। आपका तीन दूनी छ एक्स स्क्वायर और प्लस 12x और इधर जाएगा क्या हो जाएगा 2x और आपका 8 जो है यहाँ पर आ जाएगा प्लस 8x², ठीक है। अब इसको आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x³ square, ठीक है। 12 से हमारा क्या हुआ 14x हो गया, ठीक प्लस 8 हो गया इसको दीजिए। ये हमारा देखिए पहला हमारा क्या हो गया, क्यूब में आ गया। तो इसको क्या कर देंगे, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये कर देंगे इसे, ये जो है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नो हो गया दोस्तों, अब हम लोग 5, 6, 7, 8 करने जा रहे हैं। देखिए एट क्वेश्चन भी जो है आपका इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका आइडेंटिटी आपको जो है, इसका आइडेंटिटी जो है हम आपको बता दे रहे हैं, बस उसी पर फॉर्मूला को फूट करके जो ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a square नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 3a square b फिर प्लस 3b square, ठीक है। इसी फॉर्मूला में जो है इसको क्या कर देना है, इसको पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो है इसको बना देंगे, ठीक है। जब पुट करने के बाद जब बना दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी के फॉर्म में है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जो आपको अगला एक्सरसाइज जो है जो इसी का जो 4.1 का है वो जो दूसरा नंबर जो टूट का जो क्वेश्चन है उसका भी जो है वीडियो सोल्यूशन कल मतलब कि जल्द ही जिसको सॉल्व करके आपको सामने पेश कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।